आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च की हरी मिर्च का अचार। आप ये वाली हरी मिर्च को इतना छोटा छोटा काट लें, इस तरह से इतना छोटा छोटा टुकड़ों में उसे काट लें। धो के इनके सारे जो इनकी पीछे की डंडी होती है वो निकाल के फेंक दें और इतने छोटे छोटे पीसेस में इनको काट लें। ये बहुत इजी है बनाना और खाना दोनों में। ये खाने में भी इजी रहता है, ये बड़ी बड़ी मिर्चों को खाने में थोड़ी दिक्कत आती है उनको काटने में तोड़ने में, लेकिन इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये करीब आप इसके लिए 100 ग्राम हरी मिर्च लें, इस तरह से बारीक कटी हुई। आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ थोड़ा सा नमक, करीब 1 चम्मच, और 2 चम्मच पिसी हुई राई, राई या सरसों दाना, पीला सरसों दाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके लिए काला वाला सरसों दाना, मोटे वाला इस्तेमाल किया है, और आमचूर पाउडर, 2 चम्मच आमचूर पाउडर। अब आपको इसमें और थोड़ा सा सरसों का तेल, आप इसमें एक पूरा 1 बड़ा चम्मच नमक डालें, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच, ये 2 टीस्पून्स हैं, तो 2 टीस्पून मान के चलिए आपको हर सामान इसमें डालना है। ये राई है और ये इसमें करीब 2 चम्मच आप सरसों का तेल डाल दें। आप हाथ से अच्छी तरह से मैश कर दें। ये देखिए, ये आपका अचार रेडी है। 3-4 दिन के बाद ये खाने के लायक हो जाएगा। अब आप इसमें थोड़ा सा सफेद विनेगर, अगर स्मेल पसंद ना हो तो बात अलग है, अदरवाइज इसमें सफेद विनेगर डाल देने से ये इस पे फंगस वंगस नहीं लगती। आप 1 महीने तक इसे आराम से यूज कर सकते हैं। आप अगर ज्यादा डालना चाहें तो आप इसे ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से आप मिक्स करके करीब 3-4 दिन के बाद ही आपका खाने के लायक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और बहुत आसान अचार है। आप इसे जब चाहे आराम से डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं, दाल चावल के साथ या किसी भी डिश के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बना के मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। कमेंट्स में आपके चाहती हूँ कि आप कैसा लगा आपको। थैंक यू।